ये है वो जगह जहाँ मैं बैठ के पढ़ता हूँ। ये मैंने लगाया हुआ व्हाइट बोर्ड। यार ये रजिस्टर मेरी जिंदगी का सबसे अहम है। ये मैंने एक नई बुक मंगाई है, घर में ये वाली बुक लाजमी होनी चाहिए। और ये है यार वर्ल्ड मैप। यार आज है 21 जून 2021, ठीक है, और इस वक्त तकरीबन 7 बजे हैं, फुल गर्मियों का मौसम है। हम आपको दिखाता हूँ अपना रूम। मैं इस वक्त रूम के बाहर हूँ, इसलिए अंधेरा नज़र आ रहा है, तो अभी रूम के अंदर चलते हैं। सो लेट्स गो। ओके, ये मैंने फ्रंट पे लगाया है तो वीडियो शूटिंग के लिए। मैं वीडियो शूट करता हूँ, वैसे भी दिखने में अच्छा लगता है, मुझे दुनिया घूमने का शौक है, इसलिए लगाया था। व्हाट इज सो पिक, आई वांट टू हैव अ लुक। ये है वो जगह जहाँ मैं बैठ के पढ़ता हूँ। वो पीछे मेरा डेक पड़ा हुआ, अक्सर म्यूजिक करके सुन लेता हूँ। ये मैंने लगाया हुआ व्हाइट बोर्ड। अभी मैंने असल में एक आर्टिकल था फेमिन थ्रेट, तो उसकी मैंने आउटलाइन लिखी है व्हाइट बोर्ड पर। आज मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, आज का ये वीडियो अपलोड करनी थी मैंने किस पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। बहरहाल ये मैंने लास्ट आर्टिकल एक लिखा था, बहरहाल ये तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। ये मेरे कुछ रजिस्टर हैं। यार ये रजिस्टर मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम है। ये है जनरल साइंस का रजिस्टर, ठीक है। ये मैंने पूरी जनरल साइंस के ऊपर लिखी हुई है, एक एक टॉपिक मैंने इस पर कवर किया है, और ज़बरदस्त तरीके से सारा मैंने, ये पूरी जनरल साइंस मैंने यूट्यूब से की है, ठीक है। ये मैं एक नया रजिस्टर बना रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ करता हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर से, ये रहा फेमिन थ्रेट, जो मुझे मुश्किल लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं। तकरीबन 5-6 बार इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, ये छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ने के बाद मैं उसको अपने अल्फाज में लिखता हूँ। मैंने इसको लिखा है तकरीबन, ये 3 पेजेस का बनता है, तो अभी मैंने फ़िलहाल ये किया। ये किस चीज़ का रजिस्टर है, इसे भी देख लेते हैं। ये है जी, हाँ ये है, ये इंग्लिश का रजिस्टर है। इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब से इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं आपको चैनल भी रेकमेंड करूँगा, बाद में बताऊँगा, अगर मैं क्लियर हो जाएगा फिर मैं बताऊँगा। अच्छा ये बेसिक इंग्लिश है, ये मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ हूँ कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अभी मैंने कहाँ तक सीखा, अभी मैंने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक, यहाँ तक मैंने सीखा है। ये मैंने एक नई बुक मंगाई है उमर रियाज साहब के चैनल से। उनके चैनल से मैंने देखा था, वो कह रहे थे अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है तो आपकी घर में ये वाली बुक लाजमी होनी चाहिए। यार अभी ये मंगा लो, तकरीबन 500 रुपये की बुक है, काफ़ी मोटी है, तो वक्त मिलेगा उसको पढ़ते रहेंगे साथ साथ। ये न्यूज़पेपर, जो चीज़ें मुझे मेरे काम की लगती है ना न्यूज़पेपर में से, तो उन्हें मैं स्केल से काट लेता हूँ। ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं अपने हिसाब से नोट्स, इनको मैं वक्तन पढ़ता रहता हूँ। और जैसे ये स्टेपल कर लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल इस वक्त ये कश्मीर इशू है, तो कश्मीर के साथ दूसरा वाला एक कश्मीर का आर्टिकल है, उसको स्टेपल कर लिया। जैसे ये इस्लामोफोबिया है, उसके साथ दूसरा वाला कर लिया। जैसे ये अफगानिस्तान का है, तो उसके साथ तालिबान का है, तो उसके साथ तालिबान का कर लिया। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इस तरह से मैंने काफ़ी ये बनाए हुए हैं, ठीक है। ये हाँ यार, लेटर्स टू द एडिटर है डॉन न्यूज़ में, ये लाजमी पढ़ा करो, इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। ये एक रेमंड मर्फी की किताब है, इसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अभी तक जब तक मैं अपनी बेसिक इंग्लिश अच्छी कर लेता इसको मैं नहीं करूँगा। अच्छा ये है सामने वर्ल्ड मैप, एक तरफ ये वाला मैप है जो कि इतना क्लियर नहीं है, पता लग रहा है एशिया अफ्रीका कहाँ पर है, लेकिन यहाँ जब देखते ना तो सारा अंदाज़ा हो जाता है। ये रहा साउथ अमेरिका, वो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, वो एशिया, वो यूरोप, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका। बहरहाल ये आपके कमरे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं ना देखेंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, आप ये जायज़ा ही नहीं लगा सकते कि दुनिया वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। तो मैप लाजमी लगवा लेंगे, मैंने दराज से मंगाया था, तो भला हो उनका, तकरीबन 1200 रुपये का मंगा लेना, ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद है ये मैंने यार पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल मैप मंगाया हुआ, ये डॉक्टर मुनव्वर साहब का, ठीक है, और इन्होंने बनाया हुआ ये। तो ये मैप का होना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैप क्या कहता है, मैप आपको बताता है लोकेशंस के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मैप देखकर जान पाया कि अरेबियन सी कहाँ पर है, साथ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये देख रहे हैं सबसे बड़ा अफगानिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पे, जो कि डियर लाइन कहलाती है। देखिए अगर आपके पास मैप है तो आज के करंट अफेयर्स को जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि सी पैक कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है। अब ये जो चाइना का ये वाला पार्ट है ना, यह आधा, यहाँ पर आबादी बहुत कम है,
अब चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से एक रूट डेवलप कर रहा है जो कि हमारे गिलगित या कश्मीर से निकलेगा और ये पाकिस्तान को चीरता हुआ काटता हुआ अरेबियन सी में दाखिल होगा। ठीक है, ये रहा अरेबियन सी। ठीक है, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है, ये ऊपर चाइना लग रहा है। तो चाइना यहाँ से एक रूट डेवलप करेगा जो कि सड़क खींचेगा यहाँ से यहाँ तक और ये पूरी पाकिस्तान के दरमियान से निकलेगी और जाएगी अरेबियन सी को टच करेगी। बेसिकली जितनी भी ट्रेड होती है ना तो वो होती है सी रूट्स के थ्रू। अब चाइना को इतना लंबा चक्कर लेके आना पड़ता है, तब चाइना क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप इजीली वहाँ से दाखिल हो सकता है। मैप के थ्रू ही आप ये जान पाएंगे कि इराक की लोकेशन कहाँ पर है, स्विस कैनाल कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी और रेड सी के दरमियान में क्या आती है। ठीक है, तो आप ये तमाम चीज़ें मैप के थ्रू जान पाते हैं। तो यार एक छोटा सा रिव्यू था मेरे रूम के बारे में। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैंने यूएसए हिस्ट्री रखी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पर ये थोड़ी सी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पर मैं यूएसए का मैप लगाऊँ इंशाल्लाह, अगर मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि वाइट बोर्ड को ख़त्म करके ना यहाँ पर लगा दिया जाए, वो एक बोर्ड नहीं होता क्या उसे कहते हैं, नोटिस बोर्ड।